हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो देव के पापा जाएंगे ड्यूटी, मैं बना रही हूँ उनके लिए खाना। तो मैंने आटा लगा लिया है और करेले की सब्जी बनाई थी हमने शाम को, वही लेके जाएंगे। और यहाँ पे बना देती हूँ चाय। और देखिए गाइस, ये बच्चे कैसे सो रहे हैं सुबह सुबह के टाइम। मैं उठी थी सुबह 4 बजे और देव भी उठा था सुबह 4 बजे। तो हम पहले गए थे वॉक, वहाँ पे करी हमने थोड़ी सी वर्जिश 45 मिनट की। और फिर हम आ गए थे घर। घर आकर मैंने इनके कपड़ों पर करी है प्रेस और फिर अब मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो यही रूटीन होता है हमारा सुबह सुबह। और देव आकर सो जाता है भाई, वो उठेगा अब 7 बजे उठाऊँगी मैं उसको, क्योंकि नहाएगा धोएगा और फिर खाना खाकर स्कूल में जाएगा। 8 बजे इसकी बस आ जाएगी। तो ये चलती हैं देव के पापा ड्यूटी पर, बजने वाले हैं 6:30। 6:30 हो गए हैं, 5 मिनट आके है। तो 6:15 बजे निकल जाते हैं। तो चलिए। हेलो, नमस्कार गाइस, शुभ शुभ दिनों सबका, जय शनिदेव शनिदेव। तो चलिए हम इनको बाहर तक छोड़ आते हैं, चादर ओढ़ कर जाएंगे अपनी। डाल लो थोड़ी सी, डाल लो हूँ उसमें पन्नी लाऊं। पन्नी ला दे। ठीक है। शूज कहाँ पे हैं आपके? तो देखिए गाइस, सुबह सुबह अब सर्दियों में फूट कर देता है पेड़ियो आम का। अरे काम तो दिन अच्छे होता है। मेरे पेड़ को नजर ना लगे, बहुत अच्छा है, चल रहा है मेरे पेड़। तो खेत के तो गए सारे पेड़ है ना, खत्म हो गए। मैंने तो गलती करी, पेड़ लगा था मैं खेत में। एक वो सामने मन थोड़ी नु कही ना, मगर दुआई दुई नहीं मारता के करा रहा साहब। तू तो मेरे पीछे पड़ा रहा, कहते तो मैं छोड़ दूंगा, मगर छोड़ दे। हाँ, उड़े सारे पेट डिमक ना खा लिया, दुआई बहुत पहले लगा दे रखी मैंने उससे। तो ये देखिए गाइस, आ गया है कबूतर हमारे गेट के ऊपर। बेचारा बहुत दिनों बाद आया, उड़ गया। उड़ गया, बहुत देर से बैठा है। और मेरा बेटा देव भी आ गया है, छोड़ दे, अंदर आने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ, बहुत देर से देख रही थी। ए बी सी डी सुनाओ पहले। ए बी सी डी, मुंह में बीड़ी, आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप अपना नाम बताओ, आपका क्या नाम है? चुन्नू। चुन्नू, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आठवीं में। आठवीं में पढ़ते हो? और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं तो पढ़ता हूँ रामकृष्ण में। नाम है आपके बाबा का? और पापा का? पापा कल्ला। और मम्मी का? अमिता। निशा। और माजी का? माजी माँ। अच्छा, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, बोलो आप बताओ। मेरी पापा का नाम रोहित है। रोहित, पहली बार सुना है भाई। मोनू। अच्छा, दादा का नाम पाल लिया। और मम्मी का? वेरी गुड। हाँ बेटा, गन्नौर जाएगा। आये हाय, गुंगा बोलने लगा, मेरा बच्चा बोलने लगा। किसकी गड्डी जाए करे? कृष्ण की। ओए होए, तो सबका नाम पता है। क्या लाएगा गन्नौर से? जा फ्रिज में था किसमें से डब्बा ठाके। चीज कौन लेगा? किसमें से कौन लेगा? जाओ लेके आओ, जा देव लेके आइयो। हाँ, गोज में डाल दूं। तो गाइस, आज हमने बनाया है दाल और चूरमा। तो चूरमे के बनाए हैं हमने मोदक, मोदक मोल्ड में डाल के। तो हम देखिए गाइस, देवू बनाने लग रहा है। और एक ये मैंने बनाया था, ये देखिए गाइस कितना सुंदर मोदक है। और ये मावे का भी बन सकता है, हलवे का भी बन सकता है। और हमने बनाया है चूरमे का मोदक, ये बना रहा है देव। सही है बेटा, बना ले। जब सारे बन जाएंगे, जब दिखाएंगे। और हम लगा देते हैं अपने लड्डू को भोग। तो चलिए लेके चलते हैं। एक ही मोदक खाएगा मेरा बेटा। ये लीजिए लड्डू महाराज, हमने बनाए हैं मोदक।
ये लो भाई दे, गौरव देख हमारा मोदक गौरव नाइस अच्छा लग रहा है ना चुरमे का मावे का भी बन सकता है बनाएंगे एक दिन मावे का भी तो खा लीजिए लड्डू जी और बाकी के देव बनाने लग रहा है ये देखिए गाइस बना दिए हमने चूरमे के मोदक और दाल दाल चूरमा तो आ जाइए गाइस आप भी खा लीजिए और हम लगा देते हैं सबसे पहले अपने लड्डू को भोग लो भाई लड्डू खाओ तो आ जाइए गाइस आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म चूरमा और दाल ये देखिए गाइस हमने भून ली है चूल्हे में शकरकंदी और ये बड़ी ही टेस्टी लगती है खाने में तो जिसको भी खानी है वो आ जाइए गाइस शकरकंदी खाने के लिए तो हम तो खा रहे हैं भाई चूल्हे में भून कर बड़ी ही टेस्टी लगती है इतनी उबाल के अच्छी नहीं लगती जितनी भून के अच्छी लगती है हेलो गाइस अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो गाइस अब जाते हैं हम सोने के लिए तो ओके बाय गुड नाइट सी यू शुभ रात्रि।